स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। 10 मिनट फैक्ट वीडियो में आपका स्वागत है। स्पेशली 10 मिनट फैक्ट, एक प्रश्न जरूर हर टॉपिक से, हर वीडियो से आपको मिलेगा। आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, तो देख लीजिए, या कोई वनडे एग्जाम आपको देना हो तो यहां से प्रश्न डेफिनेटली आते ही आता है। तो शुरू करते हैं 10 मिनट फैक्ट। उससे पहले एक जानकारी, अगर आपको आरओ या आरओ की कोई बैच ज्वाइन करनी हो तो आरओ या आरओ का बैच जो है कल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप ज्वाइन करने के लिए 9919829918 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस होने वाली है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मूट होगी, आपसे पूछा जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं तथ्यों का तांडव। चलिए, तथ्यों का तांडव, आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है ये है प्रमुख पठार से संबंधित। कोई मैपिंग नहीं कराएंगे, मैपिंग आप खुद कर सकते हैं। आपको इतना सरल में बता देंगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है देखिए, एक साथ, जैसे ओजार का पठार है कहाँ स्थित है, यूएसए में। कोलंबिया का पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। पीडमंट का पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है। अभी तक तो सभी यूएसए में स्थित है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चिया पास का पठार नॉर्थ अमेरिका में, नीचे मैक्सिको है मध्य अमेरिका का, तो मैक्सिको में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं। सीधे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते रहिए, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद लॉरेंसिया का पठार कनाडा में है, यूएसए के उत्तर में, कनाडा में है। अगला एडवर्ड का पठार कहाँ पे है, तो ये टेक्सास प्रांत है यूएसए में, वहाँ पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं, चाहे वो ओजार्क देख रहे हों, कोलंबिया देख रहे हों, पीडमांट देख रहे हों, ग्रेट बेसिन देख रहे हों, चिया पास, लॉरेंसिया, एडवर्ड, सभी उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है उसके पठार हैं। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी पठार हैं, बात खत्म। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में लिख लीजिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पठार आपको दिख रहा है गुयाना का पठार, पूछा जाएगा कहां पे है, तो ब्राजील में है। कहां पे है, ब्राजील में है गुयाना का पठार, कहां पे विस्तृत है, गुयाना में। बोलीविया का पठार कहां पे है, तो बोलीविया में है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर, आप कह सकते हैं पेरू की सीमा पर, ठीक है। बोर बोरेमा का पठार कहां पे स्थित है, आपसे पूछा जाएगा, तो बोर बोरेमा का पठार भी कहां पे है, ब्राजील में है। ऐसे ही मोंटोग्रासो का पठार आपसे पूछा जाएगा, तो कहां पर है, ब्राजील में। मोंटोग्रासो का पठार कहां पे है, ब्राजील में। ये सभी आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उस कॉन्टिनेंट के पठार हैं, चाहे गुयाना का पठार हुआ, बोलीविया का पठार हुआ, बोरबेरमा का हुआ, मोंटोग्रासो का, सभी आप देख रहे हैं साउथ अमेरिका का हिस्सा है। अभी तक आपने देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब हम लोग देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पठार एक एक करके। देखिए सबसे पहले लिखा है जाडो का पठार, कहां पे स्थित है, नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया कहां है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अगला है अदामावा का पठार, नाम है अदामावा का पठार, कहां पे है, तो आप लिख सकते हैं कि नाइजीरिया में और कैमरून में, नाइजीरिया और कैमरून में विस्तार है। और खासकर ये जरूर याद रखिए कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बाकी आप भूल जाएंगे तो एक बार चलेगा। अहागार पर्वत या अहागार पर्वत बोलते हैं इसको, अल्जीरिया लीबिया में स्थित है, अल्जीरिया लीबिया कहां पे, अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सभी देख रहे हैं। उबांगी का पठार, उबांगी है ये, उबांगी, उबांगी, उबांगी का पठार कहां पे है, सेंट्रल अफ्रीका जो है, मध्य अफ्रीका जो देश है अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका गणराज्य जो है वहां पर स्थित है। अगला आपको दिख रहा है तासिली का पठार, पूछा जाएगा कहां पे है, आप कहेंगे अल्जीरिया में। तासिली का पठार कहां पे, अल्जीरिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ऐसे ट्रेड माल्ट का पठार आपसे पूछा जाएगा, वो भी कहां स्थित है, अल्जीरिया में। कहां पे ट्रेड माल्ट, ट्रेड माल्ट नहीं बल्कि ट्रेड माल्ट है, ये गलत लिख उठा है, ट्रेड माल्ट का पठार है अल्जीरिया में। बाई का पठार आपसे पूछा जाएगा, तो क्या बताएंगे, अंगोला, अंगोला में है बाई का पठार। कटंगा पठार कहां पे है, जायरे, जायरे में है। पूछा जाएगा एब्सिनिया का पठार कहां स्थित है, और खूब पूछा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, एब्सिनिया का पठार जो है इथोपिया में स्थित है। कहां पे, इथोपिया में स्थित है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं, सभी ये जो हैं
अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके पठार हैं, महाद्वीप के पठार। भूलेगा नहीं, जाडो का पठार आपने देखा नाइजीरिया में है, अदामावा का नाइजीरिया कैमरून में है, अहागार का अल्जीरिया लीबिया में है, उबांगी मध्य अफ्रीका में है, तासली अल्जीरिया में है, टेडमाल का पठार अल्जीरिया में है, बाई का अंगोला में है, कटंगा जायरे में है, एप्सिनिया का पठार इथोपिया में है। ये सब आपने देखा। अब एक देखिए यूरोप का कौन सा पठार आपको दिखाने वाले, बोहिमिया का पठार कहाँ पर स्थित है, सीधे लिख लीजिए यूरोप, यही पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आप देख रहे हैं बर्कली का पठार, बर्कली का पठार कहां विस्तृत है, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किम्बरले पठार कहां स्थित है, तो यह भी आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो सभी कॉन्टिनेंट के पठार आपके पास हो गए। ये दो किस कॉन्टिनेंट के हैं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक, या ओशिनिया कॉन्टिनेंट के पठार हैं। तो आपने नॉर्थ अमेरिका के पठार देख लिए, अब आइए थोड़ा सा और आगे आपको ले चलते हैं। ये देखिए कोरात का पठार आपके सामने है। अब हम कहां पहुंच गए हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। तो पहला देखेंगे कोरात का पठार, आइए कोरात का पठार कहां स्थित है, तो आप बताएंगे थाईलैंड में, थाईलैंड में कहां पे है, थाईलैंड में है। उसके बाद पामीर या तिब्बत का पठार कहां हो सकता है, तिब्बत में, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, तो आप एकदम आपको याद ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तिब्बत का पठार नाम, लेकिन पर्वतों से ऊंचा है। पठार जो होते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई, 1000 मीटर की ऊंचाई तक माने जाते हैं, उसके बाद नहीं माने जाते हैं, उसके बाद पर्वत माना जाता है। लेकिन पठार की खासियत होती है कि उसका जो ऊपर चोटी नहीं होती, वो प्लेन होता है, और पर्वतों में क्या होता है, चोटी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है पोतवार, ये पोतवार लिखा है, पोतवार लिख लीजिएगा, पोतवार का पठार है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है, तुर्की में है, एशिया माइनर कहाँ पे है, तुर्की में। अगला है मेसेटा का पठार, ये देखिए स्पेन में है, स्पेन में है मेसेटा का पठार, स्पेन में है, ये एशिया में आ गया है, इसको उठा के आप यहां से यूरोप कर लीजिएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट। अगला है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया फिर वही बात, तुर्की में स्थित है, तुर्की में है। उसके बाद शान का पठार आप देख रहे हैं, शान का पठार कहाँ स्थित है पता है, म्यांमार में। लगभग सभी यहाँ पे जो दिए हैं वही एक गलती से आ गया है मेसेटा का पठार, बाकी सब एशिया के हैं। ऐसे पूछेगा आप एप्सिनिया का पठार कहाँ पे स्थित है, एप्सिनिया का पठार अभी हमने आपको बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, बीच में पता नहीं कैसे आ गया है इथोपिया में, कहाँ पे बताया था, इथोपिया में बताया था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। लोयस का पठार आपके सामने दिखेगा, कौन सा, लोयस का पठार कहाँ पे है, एशिया कॉन्टिनेंट में है, चीन में है। तकला मकान का पठार या तकला माकन का पठार, तकला माकन या टकला माकन कुछ भी कह लीजिए, चीन का है तो चाहे टकला बनाइए, चाहे टकली बनाइए, कुछ भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोरात का पठार कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी भाग में है। कोरात का पठार कहाँ पे है, थाईलैंड में है, तो उत्तर पूर्वी थाईलैंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उत्तर पूर्वी थाईलैंड। अगला बचा उष्टवर्त या उष्टवर्त, ऐसे लिखते हैं, उष्टवर्त का पठार, यहाँ पे उष्टवर्त लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये उष्टवर्त का पठार है, ध्यान रखिएगा, उष्टवर्त या उष्टवर्त कुछ भी लिख दे, कजाकिस्तान में स्थित है, कहाँ पे, कजाकिस्तान में स्थित है उष्टवर्त। अगला है पामीर का पठार, जो आपको पता ही है वही ऊपर आया था तिब्बत में। ये सब लगभग एशिया के हैं, दो बीच में छोड़ के जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और उसके हो गए, ठीक है। तो आपके सामने ये जितने दिख रहे हैं, इस एक यूरोप का है, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है, बाकी जो हैं सभी जितने दिख रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट के पठार हैं। वो पीडीएफ बनाने में दिक्कत कहीं हुई है, इसी वजह से गड़बड़ है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तथ्यों का तांडव आज इतना ही, 10 मिनट शायद हो गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।